मेरे प्रिय शिष्यों और साधकों, 13 जुलाई हम मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा। इस महोत्सव में आप भी भाग ले सकते हैं, आप भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन मार्ग कौन सा चुने, इसके लिए गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आप कोई विशेष मंत्र उच्चारण करते हैं, विशेष साधना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, लेकिन बिना गुरु के वो साधना अधूरी है। गुरु पूर्णिमा पर मैं 5 प्रकार की विशेष दीक्षाएं प्रदान करूं, जिसमें मुख्य होगी गुरु दीक्षा। आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो शिष्य इसे प्राप्त करेगा, 13 जुलाई को 1 मिनट के लिए मैं उस शिष्य से बात करूंगा व्यक्तिगत, और साथ में मैं उसे खुद टेलीफोन मिलाऊंगा, और एक विशेष कवच, गुरु दीक्षा कवच, जो उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, उसे भी प्रदान किया जाएगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करके गुरु दीक्षा की पूरी जानकारी ली जा सकती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मनचाहा आकार, माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये बात समझते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी हमको, तब राहों को सरल बनाते हैं आप, और ऐसे गुरु को हम बारंबार करते हैं प्रणाम। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आगामी 13 जुलाई को हम मनाएंगे गुरु पूर्णिमा। गुरु और शिष्य के अटूट संबंध को और प्रगाढ़ बनाएंगे। इस दिन आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, 5 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाएंगी। मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं 5 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल की। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, मैं आज कल और परसों 3 दिन के लिए लंदन में हूं। अगर आप यूके में रहते हैं तो मुझसे पर्सल भेज सकते हैं, या फिर 22 और 23 जुलाई को मैं काठमांडू नेपाल में रहूंगा, यहां पर भी आप मुझसे पर्सल भेज सकते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे गुरु मंत्र में स्टडी में एकाग्रता के लिए क्या विशेष उपाय करें। आज 6 राशिवाद यंत्र सेगमेंट में बात करेंगे बुध ग्रह को और मजबूत करने के लिए बुध यंत्र की। कार्यक्रम का अंत होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान, लेकिन सबसे पहले आज के गुरु मंत्र की बात करते हैं। स्टडी में एकाग्रता के लिए क्या उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं तथा मंदिर के ऊपर एक लाल त्रिकोणी झंडा लगाएं। झंडे के बीच में सिंदूर से लिखें जय श्री राम तथा नीचे सिंदूर से लिखें बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, ऊपरी बाधाएं दूर होगी और स्मरण शक्ति मजबूत होगी। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज शाम को 7:28 तक षष्ठी तिथि और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी, और आज ही सुबह 10:29 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग, अनफा योग का साथ मिलेगा और बुधादित्य योग का भी साथ मिल रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग और मालव योग का लाभ मिलेगा। मिथुन कन्या धनु और मीन अगर आपकी राशि है तो हंस योग और भद्र योग का लाभ मिलेगा, और मेष कर्क तुला और मकर राशि है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज भी राहु मंगल का अंगारक दोष रहेगा, और आज चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे। दोपहर को 4:51 के बाद ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो वो आज आपको एक ही बार मिलेगा। दोपहर को 12:15 से 2 बजे के बीच में इंपॉर्टेंट सारी मीटिंग करिए, लाभ और अमृत का चौकड़िया। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 3 से 4:30 तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। संतान सुख और संतान से सुख और संतान के संस्कार पर विशेष विचार आज आपको करना चाहिए। वाशी और बुधादित्य योग के बनने से बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज को अपनाकर आप अच्छा फील करेंगे। कामकाज से संबंधित गतिविधियों में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नौकरी में चल रही परेशानियां लगभग दूर हो जाएगी और कुछ राहत जरूर मिलेगी। वर्क प्लेस पर चल रहे काम में आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आज अपने बच्चों के साथ बैठिए, घर में शुभ और मांगलिक कार्य है। आने वाला टाइम बच्चों के विवाह के लिए कोई बात करनी है तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। आपकी कुछ समस्याएं आज कम हो जाएगी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय आप उत्तेजित न हो। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और अपने कौशल से आप समस्याओं को हल कर पाएंगे। अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो स्टूडेंट को कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट स्टडी ज्यादा करनी है। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा हो सकता है और स्मार्ट स्टडी से भाग्य का साथ मिलता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण आकर नहीं जाता, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज गलत और गलत समय पर भोजन से स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ख्याल रखिए। वृषभ राशि,
जमीन और जायदाद के मामले में आज आपको थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। डॉक्यूमेंट संभाल के रखें, गहने संभाल के रखें, इनकम टैक्स पर आपने दिखा रखा है नहीं दिखा रखा है इस पर थोड़ा विचार करिए। टैक्स लाइबिलिटीज और कुछ भी टेक्निकल चीजें ठीक करने की कोशिश करिए। बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो आपका नजरिया आज पॉजिटिव होगा। हर काम को तय समय से पहले करोगे तभी अनुकूल समय आएगा। सेल्स परचेस मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। काम को आज स्थगित न करें, एडवांस करने की कोशिश करें। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ व्यवहार करते समय आपको तहजीब और तमीज का इस्तेमाल करना होगा। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर काम की अधिकता रहेगी, व्यय की अधिकता रहेगी, खर्चे और कर्जे आपको परेशान करेगी और वैसी आमदनी नहीं हो रही है, उस पर विचार करिए। वर्क प्लेस पर जल्दीबाजी के कार्यों से बचें। जल्दीबाजी में किए गए कार्यों से परेशानी में अक्सर हम फंस जाते हैं। दिनचर्या की गतिविधियों को अच्छे से नहीं कर पाने का मलाल आपको रहेगा। अपने डे को पूरा पूरा डिजाइन करें। चंद्रमा का दोष बनने से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नकारात्मक विचार, किसी तीसरे की एंट्री, झगड़े फसाद, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, इससे बचिए। आपकी सोच जितनी नकारात्मक रहेगी आपको खुद पर उतना ही क्रोध आएगा और अंगारक दोष ये क्रोध देने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए आज एंटरटेनमेंट और कहीं ना कहीं अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर आप अच्छा फील करेंगे। मिथुन राशि, दोस्तों के साथ मदद मिलेगी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को सीक्रेट रखें, किसी से भी अपने राज को शेयर न करें। यह समय आपकी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम हासिल करने का है। अनफॉर बुधादित योग के बनने से बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस की चाबी अपने पास रखिए, इस पर थोड़ा सा विचार करिए। नए लोगों को अपने जॉब और बिजनेस में रिक्रूट करना और पुरानों को रीशफल करना, लीडरशिप क्वालिटी को अपनाना, ये सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन ऑफिस के आंतरिक गतिविधि में राजनीति आ रही है, ध्यान रखिए। घर के रख रखाव, रिनोवेशन और जो हमारा इंटीरियर होता है इस पर खर्च बढ़ने वाले हैं। घरेलू आनंद में किसी गड़बड़ी के थोड़े संकेत हैं। अपने परिवार के सदस्यों से बात करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, यदि किसी बात को लेकर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो बड़ों की सलाह लेने में संकोच न करें। आपको ये समय अपने स्वास्थ्य पर देना ही होगा। जीवन में शिक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को सदैव ऊंचाइयों पर लेके जाता है। कर्क राशि, संपत्ति के मामले सुलझेंगे, खुद की बनाई हुई हो या पेरेंटल संपत्ति हो, इसके मामले में आपको आज विचार करना चाहिए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग को धरातल पर लाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो दोपहर को 12:15 से 2 बजे के बीच में करिए, समय अनुकूल है। जोखिम ट्रेवल में और फाइनेंस में बिल्कुल नहीं लेना है, वरना पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, इससे खर्चे बढ़ के कर्जे में फंस जाएंगे। नौकरी में काम की अधिकता की वजह से हो सकता है ओवरटाइम करना पड़े। आज आने वाले दिनों में कहां इन्वेस्टमेंट करना है इसके लिए विचार करना शुभ रहेगा। वर्क प्लेस पर किए गए प्रयास आने वाले दिनों में आपकी सफलता और प्रगति में योगदान करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहे इसके लिए छोटा या बड़ा आज आपको त्याग करना पड़ेगा। जो दिन परिवार के साथ बीते वही तो एक्चुअल में हमारी जिंदगी है। आप में से कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने में सुख खोज रहे हैं कि कोई चीज खरीदूंगा तो खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं। सुख साधन में नहीं है, आत्मिक सुख मिलना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टीचर, कोच, मेंटोर से मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। दांतों में, जबड़े में और कान में तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिए। सिंह राशि, मन को शांत रखिए, दुविधाओं में डिसीजन न ले। वर्क प्लेस पर सभी कार्य शांतिपूर्वक तरीके से पूरे हो इसके लिए ज्यादातर मौन रहे। अब तक सोचा विचारों का या काम का या जो इन्वेस्टमेंट किया या जो प्लानिंग किया उसका क्या हुआ है इस पर आज एसेसमेंट करिए, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण अनुबंध आप आगे आगे करते रहेंगे, पुराने ऑर्डर कंप्लीट नहीं होंगे और आगे फंस जाएंगे। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगी के साथ वाद और विवाद बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर अचानक विकास होगा और ये बदलाव आपके पक्ष में होगा। जरूरतमंद लोगों को भोजन और धन दान करने वाले हैं। आप बहुत उदारता से पैसा खर्च करेंगे, परिवार में एकता और भाईचारे का भाव देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जीव में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास सबसे अच्छा जरूर करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपको शरीर में जकड़न और दर्द होने वाला है। कन्या राशि, कानूनी मामले सुलझाइए, किसी से मनभेद मतभेद है उसे दूर करिए। आजकल दुश्मनी किसी से रखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसे जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना अच्छा है। वर्क प्लेस की आंतरिक व्यवस्था में कुछ परेशानी आने वाली है, ये समय बाहरी कामों को ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने कार्यस्थल में इंटीरियर को ठीक करिए। नौकरी में अपने साथियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करेंगे, एक दूसरे का ध्यान देंगे, काम करेंगे। चंद्र दोष और राहु केतु, राहु मंगल के अंगारक दोष के कारण कई कठिनाइयां और बाधाएं आपके आसपास आने वाली हैं।
आप पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, वीकनेस को पहचानिए, उस हिसाब से मोडस ऑपरेंडी तैयार करिए, वरना आगे काम करते जाएंगे और पीछे फंसते जाएंगे। यह समय आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे तनाव देना और लेना और ऐसे लोग और एनवायरमेंट से दूर रहना जो आपको तनाव देते हैं, उससे आप निजात पा लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत काम की रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने विषय की बारीकियों को समझने में थोड़ा संघर्ष जरूर करेंगे। लगातार प्रयास से आप अपने विषय पर कहीं न कहीं पकड़ मजबूत कर लेंगे। सफलता के लिए संघर्ष करना जरूरी है और जीने के लिए संघर्ष करना और भी जरूरी है। संग हर्ष रखोगे तो संघर्ष कम हो जाएगा। आइए छह राशिवाद यंत्र सेगमेंट में बात करते हैं बुध यंत्र की। नव ग्रहों में बुध को युवराज ग्रह माना गया है। कुंडली में बुध की स्थिति से पता चलता है कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपकी बुद्धि कितनी चलती है। कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होती है तो व्यापार में सफलता मिलती है। यदि किसी कुंडली में बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति के सोचने और समझने में शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त बुध यंत्र को अगर घर में स्थापित किया जाए, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में स्थापित किया जाए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी जुबान अच्छी रहती है, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी अच्छी रहती है। म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और लॉयर के जो लॉ का काम करते हैं उन लोगों के लिए बुध यंत्र की अहमियत या यूं कहें महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तुला राशि, छोटी हो या बड़ी हो, बड़े हो या छोटे हो, भाई हो या बहन हो, अपने हो या कजिन हो, उनके साथ संबंध मजबूत करिए। बुध आदित्य योग के बनने से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो लोग फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर, आईटी प्रोफेशनल है, उनके काम गति पकड़ेंगे। साथ ही अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में आज थोड़ा परिवर्तन करिए, लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, पुराने संपर्क को दोबारा साधिए, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करिए जो अब आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है। इस समय लाभ मिलने की उम्मीद है। नौकरी में अधिकारियों के आदेश की अनदेखी नुकसानदायक हो सकती है। वर्क प्लेस पर कई दिनों से पेंडिंग असाइनमेंट को पूरा करने में आप सक्षम होंगे। सामाजिक कार्य या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ विशेष उपलब्धि भरे दिन है। पारिवारिक संबंध और बातचीत अच्छी रहेगी और शादी या जन्म उत्सव या शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। आज लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को सम्मान देने का मन करेगा और कुछ सामान भी दीजिएगा गिफ्ट खरीद के। आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने वाले हैं, आपकी अहमियत बढ़ने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स रूटीन बदलेंगे तो लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज पिताजी के आदर्शों पर चलिए, चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिए और मां की ममता से आपका दिन शानदार बन जाएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके जो भी काम है, मसले, उन्हें हल कर दीजिए और प्रोफेशनली दोनों आगे बढ़िए। आपकी व्यवसायिक योजनाएं ट्रेवल से सफल मिलेगी या सफलता देगी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा कार्यों को शानदार तरीके से पूरा करेंगे। ऑफिस में अपने कामकाज को लेकर ज्यादा गंभीर रहें, आपकी छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। वर्क प्लेस पर पूर्व में किए गए कार्य और कार्य के प्रति आपके लगन का परिणाम आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, पदोन्नति के प्रयास अब गति पकड़ेंगे। जीवन साथी के साथ आनंददायक समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों से संबंध मधुर रखें। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे तो सबका ख्याल होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जल्दीबाजी से डिस्टर्ब होने वाले, इससे बचिए। धनुराशि, ज्ञान, विवेक, एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। बुध आदित्य योग के बनने से बिजनेस रिलेटेड कॉन्टैक्ट और सूत्रों को और मजबूत करने से आपको नए मौके मिलेंगे। इस समय कार्य क्षेत्र की व्यवस्था के प्रति कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है, क्योंकि किसी अहम अधिकारी की वजह से कार्य क्षेत्र में व्यवस्था खराब हो सकती है। किसी से बैठे बैठे उलझ जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसी से आपको नई पहचान मिलेगी। आपके बॉस आपकी कुछ ऑनलाइन मदद करेंगे, किसी और प्रकार के कुछ खुशियां आपको मिल सकती है। और वर्क प्लेस में प्रगति के लिए आज आपको हर काम को समय से पहले करना है। समाज में आपका यश और मान सम्मान बढ़ेगा। शाम को प्यार, मोहब्बत, इश्क अपने पार्टनर से आपको मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एकाग्रता हटने का मतलब यह नहीं कि दुर्घटना घटेगी घटेगी, लेकिन दुर्घटना जब घटती है तो एकाग्रता घटने का ही कारण बनता है। एकाग्र हुआ चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त करता है। सुख साधन में मत खोजिए, आत्मिक सुख मिला रहे नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। मकर राशि की बात करते हैं। आज यात्रा न करें तो अच्छा है, करें तो बहुत सावधानी से, छोटी कर लें, किसी और को भेज दें। इस समय व्यवसाय में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। डू मोर, किसी फोन कॉल या इंटरनेट पर आपको कोई अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। नजरअंदाज नहीं करें और उचित ऑर्डर के लिए आप तैयार रहें। हर काम को तय समय से पहले करिए। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय सलीके का उदाहरण पेश करना चाहिए, वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी। विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए आपकी सोच अब बदलनी होगी। नई मोडस ऑपरेंडी तैयार करनी पड़ेगी।
मेरे प्रिय साथियों, अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती है। चंद्रमा के दोष और राहु मंगल के अंगारक दोष से आप परिणाम तो चाहते हैं अच्छे हों और अलग हों, और काम अलग कुछ करना नहीं चाहते तो नहीं होगा। वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिसर से बॉन्डिंग मजबूत करिए, हां में हां मिलाकर काम निकालिए। परिवार और अपने प्रोफेशन के बीच में संतुलन बनाइए और सेपरेशन रखिए, वरना ना घर के रहेंगे ना घाट के। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दिल की चोट आज लगने वाली है, इससे आप थोड़ा बिगड़ जाएंगे। कुंभ राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, किसके साथ आप जुड़े हुए, संबंध मजबूत करिए। लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। वाशी और अनफा योग के बनने से नौकरी में तरक्की मिलना लगभग तय है, साथ ही ट्रांसफर संबंधित कोई जानकारी आपको मिलेगी। व्यवसायिक मोर्चे पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अपनी फाइनेंशियल स्थिति को और बेहतर करने के लिए छोटा या बड़ा त्याग आज आपको करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर स्मार्ट वर्क करके और विनम्रता से बात करके ग्राहकों से आप बहुत अच्छे ढंग से पेश आएंगे। और याद रखिएगा, उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द न हो। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता है। जो भी लोग आपके बारे में कुछ भी कयास लगाते हैं, लगाने दीजिए। आपको बस हाथी की तरह मस्त चाल चलना है, परिवार के साथ चलना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज मजेदार दिन बिताने वाले हैं। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मीन राशि, मानसिक तनाव ना तो दीजिए और ना ही लीजिए, कोई दे तो बोलिए थैंक यू। व्यवसाय से संबंधित कार्य करने या उसे निपटाने के लिए आज आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ नए अनुबंध हासिल करने होंगे। कुछ दिक्कतें जरूर आएगी लेकिन उनका सामना आप कर सकते हैं। इस समय किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य में रुचि न लें। किसी प्रकार की इंक्वायरी आ रही है तो आपको उसे पूरे ढंग से, मनोयोग से उसे पूरा करना चाहिए। दोपहर बाद दफ्तर में आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। संपत्ति में निवेश के लिए और कहीं के शेयर बाजार और वायदा बाजार में निवेश के लिए दोबारा विचार करिए। आप अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी और दोस्तों की कंपनी आनंद लेंगे और इस जून महीने में कहीं घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा। माँ बाबूजी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट प्ले से माँ बाप भी बहुत खुश होंगे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। अगर आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन है तो आपके लिए शुभ दिन है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है, परंतु वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल कर दिन गुजारने की सलाह दी जाती है। आज आप लोग सूर्य उदय से पहले या उसके आसपास उठकर तांबे के लोटे में जल भरिए, 21 पत्ते पीपल के रखें, उसमें 21 बूंद गंगा जल के डालें और थोड़े से काले तिल मिला लें। फिर ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद वह जल पीपल में अर्पित कर दीजिए। पुण्य लाभ मिलेगा, राशि पर आए हुए संकट के बादल दूर हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मुझसे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। मेरे प्रिय साथियों, 14 जुलाई से भोलेनाथ को अति प्रिय है श्रावण मास शुरू होने जा रहे हैं। 4 सोमवार रहेंगे। इस समय विशेष में स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि श्रावण मास के सोमवार को और श्रावण मास में जो विशेष पूजा करते हैं, जल और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, आक दतुरा बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, तन मन और धन से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो उसे इस लोक में और परलोक में जो चाहे वो सब कुछ मिल सकता है। आप श्रावण मास के उपास नहीं कर सकते हैं, विशेष मंत्र और पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, आप कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आप सक्षम नहीं है, इसके लिए हमने बीड़ा उठाया है आपके नाम से पूजन के लिए। क्योंकि समय रहते आप हो सकता है पूजा ना कर पाए, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर शिवलिंग ना हो, तो हम आपके नाम, आपके माता पिता के नाम, आपके गोत्र के नाम से संकल्प लेकर भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। विशेष मंत्रों से, विशेष द्रव्यों से अभिषेक करके, विशेष सामग्री को अर्पित करके, और उसके बाद आपको अभिमंत्रित रक्षा सूत्र हम आपके पते पर भेजेंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आज ही आप उन्हें नोट करवाइए ताकि आपके लिए विशेष पंडित जी की व्यवस्था हो सके। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।